एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस बीच दिल्ली की एक खबर आपके सामने रख देते हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी की सियासी लड़ाई हर दिन आगे बढ़ती जा रही है। नया विवाद हुआ है जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल जल बोर्ड के दफ्तर में प्रदर्शन किया तो आपने आरोप लगा दिया कि बीजेपी वालों ने तोड़फोड़ कर दी। बीजेपी आरोपों से अब इनकार कर रही है और इस पर खूब सियासत हो रही है। टूटे हुए शीशे, टूटे गमले और गैलरी में फैली हुई मिट्टी। राघव चड्ढा, हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि अरविंद केजरीवाल को और अपनी पूरी पार्टी को समझा दो कि किसानों के पक्ष में बात करना बंद करे, किसानों का हितैषी बनना बंद करे और किसानों की मांगों का समर्थन करना बंद करे। नहीं तो जो हश्र आज हमने तुम्हारे कार्यालय का करा है, जो हश्र आज हमने तुम्हारा और तुम्हारे स्टाफ का किया है, यही हश्र अब हम आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के हर नेता का करेंगे। सुना आपने, ये है आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, जो सीधे सीधे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पार्टी के किसान आंदोलन में सहयोग देने के कारण बीजेपी नेताओं ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की। तस्वीरें दिल्ली के जल बोर्ड दफ्तर की हैं। बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। गंदे पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने मटका रैली निकाली। पोस्टर और नारेबाजी के साथ साथ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मटका दिखाकर केजरीवाल सरकार का विरोध जताया। आरोप है कि इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की। राघव चड्ढा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ करने और महिलाओं से अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। भाजपा के नेता व गुंडे दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पर आए, आकर उन्होंने हुड़दंग मचाया, चीजें तोड़ी, गाली गलौज किया, मार पिटाई करी, पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के गुंडों ने। दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल सरकार पर टैंकर घोटाले की फाइलों को दबाने का आरोप लगाते हुए हमला बोल रही है। जल बोर्ड में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और जल बोर्ड के सीईओ यहाँ पर मिलने से उन्होंने मना कर दिया है, वो यहाँ से भाग गए हैं। आज जल बोर्ड का सीईओ और दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। टैंकर घोटाला वैसे तो शीला दीक्षित की सरकार में हुआ था, जिसमें करीब 400 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई थी। मामले में खुद को पाक साफ बताने वाली केजरीवाल की पार्टी भी चपेट में आई थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।